लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, बशर्ते के सारा का सारा विश्लेषण हम सचमुच मार्क्सवादी नजरिए से करें। लेकिन इसी का तुम गारंटी दे सकती हो? हमें इसके लिए सचमुच के विद्वानों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उन्हें तुम कहां से लाओगे? क्या तुम्हारे पास है वो, क्या हमारे पास है? जाहिर है ऐसे विद्वानों के बिना इन सारी बहसों का मतलब लफाजी और मगजबारी भर रह जाता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद से इसका कोई लेना देना नहीं। हाँ, इस मामले में मैं आपसे सहमत हूं। मैंने भी बर्लिन में अपने लोगों को सेक्स के मुद्दे पर जरूरत से ज्यादा जोर देने से रोका, और मालूम है क्या हुआ, मुझे फिलिस्टीन होने का खिताब मिला। इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्लारा। जहां तक इन मुद्दों का सवाल है, खुद मुझ पर भी पाखंडी और भोगवादी होने का आरोप लगाया गया है। मैं इसे अपने संघर्ष का एक हिस्सा मानता हूं। खैर, हम इससे भी निपट लेंगे। नहीं क्लारा, हम मार्क्सवादियों की नजर में जो प्रेम की आजादी का नक्शा है, उससे इन बातों का कतई लेना देना।